यदि मैं आप लोगों से बोलूं कि आपने परसों क्या खाना खाया था तो आपको बिल्कुल भी याद नहीं है। सेम है हमारी प्रोग्रामिंग के अंदर भी यही होता है कि आप आज कुछ प्रोग्राम लिख रहे हैं और उसके अंदर प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहे हैं और आपको बोला जाए कुछ टाइम के बाद में उस कोड को मॉडिफाई कीजिए तो आप उसे बिल्कुल भी मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते हैं क्योंकि आपको ये याद नहीं रहता है कि इस प्रोग्राम के अंदर हमने क्या क्या वर्किंग करके है। इसी चीज को याद रखने के लिए आप इस्तेमाल करते हैं कमेंट्स का। 75 डे 75 हार्ड लर्निंग चैलेंज के अंदर डे 14 के अंदर हम बात करेंगे कमेंट्स के बारे में। तो देखिए कमेंट्स हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हम जो कोड लिख रहे हैं उसको याद रख सके कि इस पर्टिकुलर लाइन के अंदर या इस पर्टिकुलर कोड के अंदर हमने क्या क्या लिखा है। यहाँ पे पाइथन के अंदर आप दो तरीके से कमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं, एक होता है सिंगल लाइन कमेंट और दूसरा होता है मल्टी लाइन कमेंट। सिंगल लाइन कमेंट के अंदर आप एक लाइन के अंदर जितना भी आप कमेंट लिखना चाहें वो आराम से लिख सकते हैं। मल्टी लाइन कमेंट के अंदर एक से ज्यादा लाइन के अंदर आप अपना कमेंट्स लिख सकते हैं। सिंगल लाइन कमेंट को आप एस की तरह से लिख सकते हैं। यदि मैं यहाँ पे मल्टी लाइन कमेंट लिखना चाहूँ पैराग्राफ के तौर पर तो मैं क्या करूंगा, सिंगल ट्रिपल कोट से स्टार्ट करूंगा और सिंगल ट्रिपल कोट से खत्म करूंगा। यहाँ पे जो भी आपका नोटिफिकेशन है वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं।